तो चलिए आपके संडे को कर देते हैं रिचार्ज, क्योंकि अब लेकर चल रहे हैं हम आपको वेरी टैलेंटेड एलएसटी एक्टर सुष्मिता मुखर्जी के पास। सुष्मिता जी, मैं तो हूँ आपकी बहुत बड़ी फैन, और यहाँ हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने की है सुष्मिता जी से एक खास मुलाकात। लेकर चलते हैं आपको सीधा इनके पास। सुष्मिता मुखर्जी का अनोखा अंदाज, सुष्मिता का मेकओवर, सुष्मिता से फिडोरा तक, गोलमाल, किंग अंकल, खलनायक और कई ऐसी पॉपुलर फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाकर सुष्मिता मुखर्जी ने किया हम सबका मनोरंजन। इसी के साथ कई सीरियल्स में उन्होंने काम किया। और आप उन्हें हाल ही में आए सीरियल जगन्नाथ और पूर्वी की दोस्ती अनोखी में देख चुके हैं, और अब वो निभाने वाली हैं जरा हटके वाला किरदार। जी हाँ, जल्द आने वाली है फिल्म फिडोरा रिंकल्स, जिसमें सुष्मिता फिडोरा का किरदार निभा रही हैं, और आज वो इस लुक में ढलने वाली हैं। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सुष्मिता के मेकअप रूम में देखने उनका सुष्मिता से फिडोरा तक का ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे वो इस किरदार में ढलती है और कैसे होता है सुष्मिता का मेकअप। तो चलिए सीधा चलते हैं सुष्मिता के मेकअप रूम में करने उनके साथ मेकओवर वाला डे आउट। तो सुष्मिता के मेकअप की शुरुआत होती है बेस लगाने से। भाई आज का मेकअप थोड़ा हैवी है, क्योंकि उनका किरदार ही कुछ ऐसा है जिसमें करना होता है हैवी मेकअप। आपके जो फ्लॉज होते हैं वो करेक्ट होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट। और उसके बाद लाइंस लगेंगे। हाँ एक्टर्स लाइफ, नहा धो के आते हैं हम लोग और देखो क्या बन जाते आप पता है कि चेहरे पे क्या लगा रही है? फाउंडेशन है, बेस है। ये बेस है, और ये हैवी बेस है, क्योंकि कैरेक्टर ऐसा है जैसे कि आप बाद में देखेंगे। या तो ये एक थिक बेस लगाया उन्होंने। फिर अभी कॉन्टोरिंग करेंगी, फिर फेडोरा बनाएंगी धीरे धीरे। सुष्मिता वेटरन एक्ट्रेस हैं, और उन्होंने मेकअप के दौरान हमें बताया कि उस वक्त के मेकअप और अभी के मेकअप में क्या कुछ अलग है, उस वक्त कैसे मेकअप होता था और अब क्या कुछ बदल गया है। आइस बॉक्स, छोटे छोटे आइस बॉक्स और ट्रे होते थे, तुम्हारे बेचारे मेकअप दादा ट्रे लेके खड़े रहते थे। हाँ, जितना बड़ा स्टार है उतना बड़ा उसका मेकअप ट्रे। हाँ, और अभी तो क्या होता है, फिर टेलीविजन में आया तो छोटी छोटी पोटलियाँ बन गई, क्योंकि सब काम ज़्यादा वो नहीं था, वो स्टारिज्म खत्म हो गया था ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी वाला काम हो गया था। तो उस टाइम पे वो होता था ऐसे आइस बॉक्स और उसमें मलमल, और आपका केक हो रहा है फेस, क्राइलॉन का पैन केक, पहले पैन स्टिक, फिर पैन केक, फिर पाउडर, और फिर बीच बीच में आप वो बर्फ़ डालो। कुछ फैन वैन अभी फिर श्रीदेवी जी ने शुरू किया वो फैन बैटरी वाला, तो फेस बिल्कुल आपका ठीक रहता है। वो वापरे वहाँ पे तो लगा लग, और फिर वो खत्म हो जाता था, ड्रिप करता था, फिर मेकअप मैन फिर जाके वो करते थे। आई वॉज वेरी लकी, यू नो आई हैड अ दादा कॉल मनी दादा, और मनी दादा करते थे हेमा जी का और रीना रॉय जी का। मनी दादा इज डाइड नाउ, और हमारे हेयर करती थी आप लोग, अब तो नहीं पता होगा, पुराने जमाने में की फिल्में आती थी कॉनी रॉड्रिक्स, ऐसा लिखा होता था हिंदी में फिर उर्दू में, उस जमाने के डन 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 टाइटल्स भी आते थे उसमें कॉनी रॉड्रिक्स का नाम है। तो कॉनी माँ, हम उनको माँ बोलते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत हम लोगों, मतलब मुझे बहुत इन्होंने बहुत। अब वहाँ पे हेयरड्रेसर्स वाज डिफरेंट थिंग, ही वाज लाइक अ मदर, घर में आते, खाना भी खिलाते, बनाते, बहुत अलग टाइप था।
बहुत अलग दिन थे वो, और वो मनी दादा ने बहुत बड़े बड़े एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, फिर उनका जब काम खत्म होने लगा फिर हम लोग उठ रहे थे ना टेलीविजन में फिल्मों में, फिर बोला हमारे पास ज्यादा काम होता था, तो उन्होंने भी चेंज देखा ना बड़े एक्ट्रेसेस के साथ फिर हम लोगों के साथ। मेकअप के दौरान वैनिटी वैन में पहुंच गई फिल्म फिडोरा रिंकल्स की प्रोड्यूसर, जिन्होंने इस फिल्म के बारे में और सुष्मिता के बारे में कुछ बातें बताई। That's a screen makeup, ma'am जो कर रही है ना, that's a screen. I also applied with a good, very good product also, but वो रहेगा, sustain रहेगा सुबह तक, but वो screen पे weird लगेगा, because screen पे बहुत lenses होते हैं, flashy होता है, that lights बहुत होती हैं, तो उसे इसका हिसाब से ये तो फिडोरा रिंकल्स जो फिल्म है वो हमने जब स्टार्ट करने के लिए कोशिश की थी, मतलब आप कह सकते हैं, तो अश्विन कौशल जी का ये अच्छा एक आर्टिकल उन्होंने उठाया था और मुझे बताया था, दैट गेव मी गूज बॉम्ब्स। अश्विन कौशल जी एक अच्छे डायरेक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे नरेटर भी हैं। आई कैन बेट यू अगर वो कोई स्क्रिप्ट लेके किसी भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के पास, किसी प्रोड्यूसर या किसी भी टीम के पास जाते हैं, नो वन विल से नो। क्यों? क्योंकि वो शायद अपनी स्टोरी में इतना तब्दील हो जाते, इतना इंडल्ज हो जाते हैं, वो फिडोरा भी बन गए थे थोड़े दिन के टाइम के लिए। ही वॉज एक्सप्लेनिंग वेल एंड वी वॉज सर्चिंग आर फिडोरा कि फिडोरा रिंकल्स में किसको लेंगे। वी ट्राइड आर बेस्ट एंड सडनली एक करिश्मा हुआ, वो करिश्मा ये था सुष्मिता मुखर्जी मैम के रूप में। एंड वी आर ब्लेस्ड कि सुष्मिता मैम हमारे साथ हैं, हमारे फिल्म में हमारे मुख्य भूमिका निभा रही हैं। एंड फिल्म एक बनती है तो एक कहते हैं ना, एक सच्चा आर्टिस्ट होता है वो दिल से सोचता है। मैम ने हर अपने लुक्स पे अपनी बारीकियाँ दी हैं और अच्छे से अच्छा जो उनके अंदर भी जो भी हो अपना 100% दे सकती थी। ये भाई फेस का मेकअप तो हो गया, अब बारी आई मेकअप की। आईब्रोज हो चुके हैं, देखिए अभी एक आंख में शैडो लगाया, अभी दूसरे आंख पे लगेगा ना, ये बार बार ये कैसे थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ मेकअप है, मतलब कैरेक्टर के हिसाब से नॉर्मल मेकअप नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक काम कर रहे हैं। खुल भी जाएगी तो इसलिए मैं आँख खोल नहीं सकती, पर लैशेस लग गए और आई शेडो लगा है क्या, आप बताइए। करते सुष्मिता मुखर्जी ने शेयर किया एक किस्सा, जहां पर एक्ट्रेस रेखा जी ने सुष्मिता को दी थी मेकअप की कुछ खास टिप्स।
मैं एक फिल्म कर रही थी गीतांजलि, तो रेखा जी थी उसमें और हम यंग थे, दिल्ली से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ के आए थे, तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसे टिप्स दिए थे उन्होंने, पता नहीं उनको याद भी रहा होगा, तो हज़ारों लोग मिलते उनको, तो हम आपको बताया था कि ये ऐसा करना और तुम्हारा स्किन बहुत ख़राब है, जैसे अपने इतने यंग हो तुम लोग, माई स्किन क्यों ख़राब है, ऐसे ऐसे उन्होंने काफ़ी हमें, अब वो वैरायटीज नहीं होते थे, उनको बड़ा रूम दिया था, हम लोग को छोटा रूम दिया था, और मतलब इंटरेक्शन पूरा होता था, तो उन्होंने ये सिखाया था कि ये करना है। हुआ पूरा और सुष्मिता ढल गई फिडोरा के किरदार में। तो आइए सुष्मिता से ही जानते हैं उनके इस किरदार और अपने लुक के बारे में। इतने सालों में बहुत सारे किरदार किए मैंने टेलीविजन, फिल्म्स, थिएटर में। मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई एक्चुअली, जब वो बता रहे थे ना, अश्विन जी बहुत अच्छी नरेशन देते हैं, तो हम लोग एक कैफ़े में बैठे थे, तो वो बता रहे थे, तो मुझे बहुत गज़ब लगा और बहुत मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने कहा रही ये सुनने में मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है तो करने में कैसा होगा, क्योंकि मैंने इस तरह के रोल्स किए हैं पर अलग काइंड, ये इस तरह की हॉरिबल सिचुएशन बिचारगी और फिर अजीब सा बहुत ह्यूमन स्टोरी है, ये बहुत पेनफुल स्टोरी है, तो मुझे बहुत, मैं बहुत भाव विभोर हो गई थी जब मैंने सुना स्टोरी, और मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि देखिए हमारे लाइन में ना ये इस तरह के किरदार करने में ताकत लगती है, जैसे सीमा पाहवा जी ने किया था इसमें गंगूबाई में, एकदम विभत्स कैरेक्टर था ना, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, वो इतनी खूबसूरत लेडी, इतनी अच्छी कलाकार, पर उन्होंने क्या गजब काम किया उसका, पावरफुल रोल, मैं देख के रख रही थी कि कैसे किया होगा, उसके बाद ही मुझे ये रोल मिला। मुझे लगा कि एक्टर को ना अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, वो क्या होता है हम लोगों को कहते हैं, कि भाई इनका फेस ऐसा है तो ये ऐसे ही रोल करेंगे। अभी मैंने हाल ही में एक सोनी लिव के लिए एक शो किया था, अनोखी दोस्ती, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा किरदार था, हाउसवाइफ थी बनारस की, बहुत मीठा स्वभाव, बहुत, और लोगों को बहुत पसंद आया, उसके ठीक बाद में ये कैरेक्टर करूँगी, लोगों को अच्छा लगे नहीं मुझे नहीं पता, पर एज अ ट्रेंड एक्टर मुझे अपने दायरे को तोड़ना चाहिए कि मैं कम्फर्ट में नहीं रहूँ कि अरे अच्छी है, जैसे स्टीरियोटाइप्ड कैरेक्टर, मैं आई वॉन्टेड टू ब्रेक दैट, उसके अलावा भी आई वॉन्ट टू प्रेजेंट समथिंग रियल, जो दुनिया, जो किसी को देख के ना जो छू जाए। एक्टर का क्या काम होता है, अगर हमारी कोई बात, हमारी आँख का एक्सप्रेशन, हमारी वॉइस से आपका दिल छू जाए, वही तो है एक्टर, हम और क्या है, हम और क्या कर सकते, हम एक पूरे सर्कल के छोटे से तो टुकड़े हैं, फ्रॉम डायरेक्टर टू प्रोड्यूसर टू राइटर टू कैमरामैन टू द स्पॉट बॉय तक, हम एक छोटा सा हिस्सा है, तो हम उसी हिस्से को हम ठीक से करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा चेहरा या हमारे, हम कैद होते हैं कैमरे में, तो इसलिए हमें वो चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारी जो भी चीज़ हम बताना चाहते हैं उसको पूरी शिद्दत से हमें करना है। मेकअप तो बहुत ही स्पेशलाइज चीज़ होती है, इस पर्टिकुलर जब आप एक इस तरह से किरदार निभा रहे हो, जो एक इसको गेटअप बोलते हैं, नॉर्मल मेकअप नहीं है, जब गेटअप 1-1.5 घंटा लगता है उसका पूरा। जब मैं आई थी एकदम ऐसे बिना मेकअप के, बाल ऐसे, और फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, 1-1.5 घंटा आपको बैठना पड़ता है, आप मेकअप आर्टिस्ट के साथ, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसा वो बोलते हैं हम करते रहते हैं, और स्लोली स्लोली मैजिक होता है, चेंज होता है, फिर हेयर होता है, फिर कॉस्ट्यूम होता है, ज्वेलरी होती है, तो इसके लिए बहुत ज्वेलरी बताना चाहेंगे मैम आप क्या क्या अभी तो ऐसा ही है, हम तो पूरा आपका दिखा नहीं सकते, चलिए इतना दिखा। जे रात मोर दुआर गुली भांगलो झड़े जानी नाई तो तुमि एले आमार दारे जे रात मोर दुआर गुली भांगलो झड़े। तो भाई सुष्मिता मुखर्जी इस फिल्म में एक अलग अंदाज में नजर आएंगी, तो उम्मीद है आप सबको फिडोरा का ये किरदार पसंद आए। और सुष्मिता,
आप सबको यूं ही एंटरटेन करती रहे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।